नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी क्रिकेट और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2024 में अब नया हफ्ता शुरू हो रहा है, नया वीकेंड शुरू हो रहा है, तो यहां पर मुकाबले भी जो है और ज्यादा दिलचस्प होते जाएंगे। हालांकि सोमवार को जो मुकाबला है वो मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ा सा दिलचस्प कम रहने वाला है, क्योंकि आईपीएल 2024 का सफर जो है वो खत्म हो चुका है और सामने अब आ खड़ी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद। जी हाँ, सोमवार के दिन ये मुकाबला खेला जाएगा 6 मई शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ये मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल डाउन है, 10वें नंबर पर मौजूद है और उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन साख की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद 2 मुकाबले हारने के बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक क्लोज मुकाबला जीता है, तो कॉन्फिडेंस यहां पर हाई जरूर होगा, लेकिन पिच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं पिच रिपोर्ट में। आज भी आपको बताएंगे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का पिच का मिजाज कैसा है, क्या बल्लेबाजों की मदद करेगी, गेंदबाजों की मदद करेगी, स्पिनर्स या पेसर्स कौन कब हावी हो सकता है। इसके अलावा टॉस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉस क्रूशियल है, क्या चूज किया जा सकता है, वो भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुंबई या फिर हैदराबाद कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है। अब बिना किसी देरी के चलिए नजर डालते हैं पिच रिपोर्ट पर। वानखेड़े की जो पिच है यहां से बल्लेबाजों को खूब मदद मिलती है, बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग मानी जाती है ये पिच, और ग्राउंड छोटा होने की वजह से यहां पर बल्लेबाज अच्छे खासे रन बनाते हुए नजर आ सकते हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। इसी बीच इस मैदान पर इस सीजन स्पिनर्स को मदद मिलती हुई दिखाई दी है, तो स्पिनर्स का रोल यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि दोनों ही टीमों में स्पिनर्स जो है उतने बड़े नाम नहीं है, स्पिनर्स के लिए कहीं ना कहीं फंसती हुई दोनों ही टीमें नजर आई हैं और स्पिनर्स का इस मैदान पर बोलबाला भी देखने को मिला है। इसके अलावा टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो, चेज करना मुंबई इंडियंस और मुंबई के इस मैदान को पसंद भी है। मुंबई इंडियंस को पिछले सीजन में पसंद था, इस सीजन शायद मुंबई इंडियंस को खेलना ही पसंद नहीं है, क्योंकि लगातार मैचेस हार रहे हो यार, क्या कर रहे हो। मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं निराश हैं, हताश हैं, लेकिन साख की लड़ाई यहां पर जीतनी काफी ज्यादा जरूरी है मुंबई इंडियंस के लिए। पिच की हमने बात कर ली है और चेज करना यहां पर ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टैट्स भी यही कहते हैं, चेज करने वाली टीम ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं, 170 के आसपास का एवरेज टोटल है, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यहां पर 190 से 200 रन के बीच में बनते हुए, क्योंकि हाई स्कोरिंग मुकाबला हम लोगों को देखने को मिल सकता है। दोनों तरफ अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं, एक तरफ आप देखेंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, हार्दिक पांड्या, निहाल वडेरा, तिलक वर्मा, तो पावर हिटर्स मुंबई इंडियंस के पास मौजूद है, लेकिन अब तक फायर नहीं कर पाए। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद का किसी से कुछ छुपा नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा कमाल की शुरुआत दिलाते हैं, उसके बाद भी सिलसिला थमता नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, हेनरिक क्लासन आते हैं, पैट कमिंस आकर बल्ला चलाते हैं, अब्दुल समद हैं, शाहबाज अहमद हैं, तो पावर हिटर्स दोनों ही टीमों के पास अच्छे खासे मौजूद हैं। जो यहां पर ज्यादा रन बनाएगा वहां पर देखना होगा कि पावर हिटर्स कौन सी टीम के ज्यादा अच्छे से चल पाते हैं। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी ने लेट डाउन किया है, सनराइजर्स हैदराबाद की जो गेंदबाजी है वो कहीं ना कहीं आगे निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह है जिन्होंने अच्छा खासा इंप्रेस किया, इसके अलावा किसी भी गेंदबाज ने उस तरीके से इंप्रेस किया नहीं है। और दूसरी तरफ पैट कमिंस खुद कप्तान भी है और गेंदबाजी भी कमाल की करते हुए नजर आए हैं। वही भुवनेश्वर कुमार ने भी पिछले मुकाबले में 13 रन डिफेंड किए थे लास्ट ओवर में, और टी नटराजन भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। तो पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है और एक हाई स्कोरिंग मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए मुंबई या फिर हैदराबाद कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है। अभी फिलहाल सब्सक्राइब नहीं किया आपने इंडिया टीवी क्रिकेट को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।